ईपीएफ अपने हर मेंबर को देता है 7 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, जिसका नाम है ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। आज के इस वीडियो में जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, प्रीमियम, बेनिफिट्स एंड कैसे क्लेम करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और लेबर लॉ एडवाइजर। चैनल पर हम वो कंटेंट बनाते हैं जो बनाता है एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स को जागरूक। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बाय द वे, इस वीडियो में जो भी मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स रेफर करूंगा और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ईडीएलआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, यानी आपका जो पीएफ डिपॉजिट है उसके साथ लिंक होकर आपको ये इंश्योरेंस मिलती है। ये ईपीएफओ की 3 स्कीम्स में से एक है। बची हुई 2 स्कीम्स आई गेस आप जानते होंगे, है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम और एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। इस स्कीम की शुरुआत 1976 में हुई थी और उसमें मेजर अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2016, 2018 और 2020 में, जिसका नोटिफिकेशन बाय द वे 28 अप्रैल 2021 में आया है। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इसका मतलब जितने भी पीएफ मेंबर हैं करोड़ों में, उनका एक ग्रुप बनाकर उन्हें सभी को इस स्कीम के अंतर्गत इंश्योर्ड किया गया है, यानी इसका कवरेज सारे ही पीएफ मेंबर को मिलता है। सबसे पहले इसका प्रीमियम कौन पे करता है? घबराइए नहीं, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको इसका 0 प्रीमियम पे करना है, क्योंकि इसका कंप्लीट प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर पे करता है। यानी अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर ईडीएलआई का प्रीमियम हर महीने जमा करा देगा। ये प्रीमियम कितना होता है? ये प्रीमियम होता है 0.5% ऑफ योर पीएफ वेज। पीएफ वेज जो जनरली बेसिक और डीए से मिलकर बनती है, यानी एग्जांपल के लिए आपकी वेज है 10,000 रुपए, तो आपका प्रीमियम उस पर्टिकुलर महीने के लिए 10,000 का 0.5% यानी 50 रुपए आपका एम्प्लॉयर जमा करा देगा। वैसे ये कैलकुलेशन इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बेस पर नहीं होती है, सारे एम्प्लॉयज के पीएफ वेज का सम करने के बाद उसके ऊपर ईडीएलआई की कैलकुलेशन की जाती है। ऑल्सो ये ईडीएलआई की कैलकुलेशन 15,000 तक लिमिट रहती है। मान लीजिए आप 50,000 रुपए पर पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ईडीएलआई का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 15,000 रुपए पर 75 रुपीज पर एम्प्लॉय के हिसाब से ही जाएगा। वैसे अगर एज अ एम्प्लॉयर या एचआर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ईडीएलआई की कैलकुलेशन कंपनी के पर्सपेक्टिव से कैसे होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सिखाए हैं A to Z ऑफ पीएफ कंप्लायंसेस कोर्स में, जिसकी ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आप ईडीएलआई के लिए एलिजिबल हैं, और इसमें जब तक आप वर्किंग हैं यानी आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है और आप कंपनी में काम कर रहे हैं, टिल दैट डेट आप कवर्ड हैं। कुछ लिमिटेड कंपनीज जिन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप इंश्योरेंस ले रखा है जो ईडीएलआई से बेहतर बेनिफिट्स दे सके, तो वो ईडीएलआई से एग्जम्पशंस भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत कम हैं। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन जो बहुत सारे कंसल्टेंट्स और एचआर्स में रहता है कि इसमें 12 मंथ्स की मिनिमम लिमिट है ईडीएलआई का बेनिफिट लेने के लिए, यानी आपकी 12 महीने की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी सर्विस 12 महीने से कम होती है तो इसका बेनिफिट ड्रास्टिकली कम हो जाता है, बहुत कम बेनिफिट मिलता है। 12 महीने के बाद ही इसके मेजर बेनिफिट मिलने शुरू होते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट आपको 12 महीने से पहले भी मिलेगा, वो सारी हम कैलकुलेशन अभी समझने वाले हैं। और इसका कवरेज एक कंप्लीट कवरेज है, ऐसा नहीं कि केवल ये वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट के कारण अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो ये बेनिफिट मिलता है। वर्क रिलेटेड, नॉन वर्क रिलेटेड, इलनेस, एक्सीडेंटल, किसी भी रीजन से अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ होती है तो उसकी फैमिली ये बेनिफिट क्लेम कर सकती है। ईडीएलआई की कैलकुलेशन करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले सर्विस 12 महीने से ज़्यादा की कंटिन्यूस है या 12 महीने से कम की सर्विस है, और डेट ऑफ डेथ क्या है। अगर वो 15 फरवरी 2020 से पहले की है तो अलग कैलकुलेशन चलेगी, और 15 फरवरी 2020 के बाद अलग कैलकुलेशन चलेगी। तो पहले हम समझते हैं अगर 12 महीने से ज़्यादा की सर्विस है, तो ये कैलकुलेशन गवर्न करता है ईडीएलआई स्कीम का सेक्शन 22 पैराग्राफ 3। 15 फरवरी 2020 के पहले कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगी। ईडीएलआई का अमाउंट बनेगा 30 times द एवरेज मंथली वेज, ये एवरेज निकालनी आपको पिछले 12 महीने की, प्लस 50% ऑफ एवरेज पीएफ बैलेंस इन लास्ट 12 मंथ सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। सिमिलरली जो वेज है उस पर भी आपको सब्जेक्ट करना है। मान लीजिए 50,000 रुपए पर मंथ पे कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो भी वो 15,000 तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इसका मतलब ये हुआ इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या बन सकती है, अगर आपकी एवरेज वेज 15,000 है तो 15,000 का 30 गुना बन गया 4.5 लाख, प्लस 50% ऑफ योर एवरेज पीएफ बैलेंस
जो मैक्सिमम बन सकता है 1.5 लाख रुपए की, उस पर कैप है। कुल मिलाकर फरवरी 2020 से पहले 6 लाख रुपए का मैक्सिमम ईडीएलआई बेनिफिट मिल सकता था। एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी है 10,000 रुपए और उसका एवरेज पीएफ बैलेंस है 1 लाख रुपए, तो 10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 30 से यानी 3 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए का 50% यानी 50,000 रुपए। तो इस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉय का जो ईडीएलआई बेनिफिट बन रहा है वो 3.5 लाख रुपए का बन रहा है। ऑल्सो फरवरी 20 से पहले एक ही कंपनी में आपकी 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए थी। ऐसा हो कि अगर आपने 5 महीने एक कंपनी में काम किया और 7 महीने एक कंपनी में काम किया है, इवन दो आप कंटिन्यूस काम करते आ रहे हो, आप ईडीएलआई के इस तरह के बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं थे। फरवरी 20 के बाद इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं और ये जो लिमिट है 6 लाख की उसे भी बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है, प्लस कैलकुलेशन भी पूरी तरह से डिफरेंट कर दी गई है। तो 15th फरवरी 2020 के बाद फॉर्मूला बनेगा 35 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मंथली पीएफ वेज, अगेन जो 15,000 की सीलिंग है वहां तक लिमिट करके, प्लस 50% ऑफ एवरेज पीएफ बैलेंस, यहाँ पे जो सीलिंग लिमिट है उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1,75,000 रुपये, जो पहले 1.5 लाख रुपये थी। तो इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट बन सकता है वो बन सकता है 35 times 15,000, मान लीजिए पूरे 15,000 पर कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है और एवरेज 15,000 ही है, प्लस जो 50% ऑफ एवरेज बैलेंस की लिमिट है यहाँ पे लगी है 1,75,000 रुपये, तो कुल मिलाकर 5,25,000 प्लस 1,75,000 बनता है 7 लाख रुपये। अगेन सेम एग्जांपल हम दोहराते हैं, अगर सैलरी है 10,000 रुपये और एवरेज बैलेंस है 1 लाख रुपये, तो 10,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 35 से यानी 3,50,000 प्लस 1 लाख का जो एवरेज बैलेंस है उसका 50% लेना है, तो वहां से आएगा 50,000। तो इस पर्टिकुलर केस में 4 लाख रुपये हमारा ईडीएलआई बेनिफिट बन रहा है, जो पहले बन रहा था 3.5 लाख रुपये। ऑल्सो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में ये चेंज किया गया है कि आपकी कंटिन्यूस 12 महीने की सर्विस एक एस्टेब्लिशमेंट में ना होकर मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट में भी होगी तो भी आप इस तरह से बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं अगर सर्विस 12 महीने से कम हो तो क्या होगा। इस पर्टिकुलर केस में बेनिफिट्स बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ बेनिफिट जरूर मिलेंगे जो गवर्न होते हैं ईडीएलआई स्कीम के सेक्शन 22 पैराग्राफ 1 और 4 के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर केस में फॉर्मूला बनता है एवरेज पीएफ बैलेंस अप टू 50,000 रुपीज, जो भी अमाउंट है, प्लस 50,000 से ज्यादा का जो अमाउंट है उसका 40% अप टिल अ सीलिंग ऑफ 1 लाख। इस पूरे अमाउंट को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा मिलता है एज पर पैराग्राफ नंबर 4। अब ये सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि अगर 12 महीने से कम की सर्विस है तो बहुत ही कम केसेस में आपका एवरेज जो बैलेंस है वो 50,000 रुपये से ज्यादा होगा, क्योंकि जनरली अगर आप 15,000 पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो हर महीने 1,800 रुपये आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हर महीने 1,800 रुपये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस एम्प्लॉयर के शेयर में से 367 रुपीज और पीएफ बैलेंस में जा रहे हैं, तो कुल अगर एम्प्लॉय 8 महीने में टोटल ही 23,837 रुपए जमा करा पाएगा। अब इसका हम जब एवरेज निकालेंगे, यानी इन सभी मंथ के बैलेंस को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये एवरेज घटके और भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए एवरेज पीएफ बैलेंस आ गया 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए का 1.2 टाइम्स आपको करना है और वही आपका बेनिफिट बनेगा, यानी लगभग 18,000 रुपए। वैसे थ्योरेटिकली इस पर्टिकुलर केस में 1.8 लाख तक के बेनिफिट बन सकते हैं, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल लिमिट, क्योंकि 50,000 रुपए पहले कंडीशन से और सेकंड कंडीशन से, मान लीजिए 1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1.2 तो 1.8 लाख रुपीज, लेकिन ये तभी होगा जब एम्प्लॉय बहुत हाई सैलरी पे पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है और हर महीने बहुत ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब इतना ज्यादा बैलेंस आने की उम्मीद है। अदरवाइज 12 महीने से कम की कंटिन्यूस सर्विस में इतना बैलेंस नहीं आ सकता है। एक और इसमें कंडीशन ये हो सकती है कि एम्प्लॉय ने कोई जॉब किया, उसके बाद जॉब में गैप आ गया और उस गैप के बाद उसने कोई कंपनी ज्वाइन करी, लेकिन उस समय उसका पीएफ बैलेंस अच्छा खासा पड़ा था पहले से, जो उसने विड्रॉ नहीं किया था, उस केस में जरूर इसमें मैक्सिमम 1.8 लाख रुपीस तक का बेनिफिट मिल सकता है 12 महीने से कम की कंटिन्यूस सर्विस पर। किसे ये अमाउंट मिलेगा? तो सबसे पहले अगर पीएफ मेंबर ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर रखा है तो नॉमिनी को नो क्वेश्चन आस्क्ड ईडीएलआई का अमाउंट मिल जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल कर लें। अगर नहीं करना आता है तो आई बटन में आपको वीडियो दे देता हूं, वो देखकर आप फटाफट से नॉमिनेशन फाइल कर लें। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिसने एम्प्लॉय ने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया हुआ था और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मान लीजिए नॉमिनेशन फाइल नहीं किया गया है तो ये पैसा मिलेगा लीगल हेयर को, जो प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर बंदा मैरिड नहीं है तो उसका लीगल हेयर कौन होगा, उसमें काफी सारे क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं, कोर्ट से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और अगर जो लीगल हेयर है वो छोटा है, माइनर है, तो लीगल हेयर के गार्जियन को ये पैसा मिलेगा। अब ये क्लेम कैसे करना है? क्लेम करने के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ तरीके हैं। ऑनलाइन बेनिफिशियरी तभी क्लेम कर सकते हैं जब उनका नॉमिनेशन फॉर्म पूरा फाइल्ड हो। अगर नॉमिनेशन फॉर्म फाइल्ड है
तो आपको यूएन मेंबर पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर नीचे आपको डेथ क्लेम करके एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर जाइए, यहाँ पर लॉग इन करिए यूएन नंबर प्लस जो भी नॉमिनी है उसके आधार डिटेल के हिसाब से, उसके आधार पर एक ओटीपी आएगा और इस पोर्टल पर लॉग इन हो जाएगा। इस फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिख जाएगी, स्पेशली डेथ सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक की कॉपी, ये सारी आप अपने पास रेडी रेफरेंस के लिए रखिए, पीडीएफ फॉर्मेट में रखिए, क्योंकि एप्लीकेशन भरते समय आपको ये सारी अपलोड करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर आप डेथ क्लेम करने के लिए जा रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एम्प्लॉयर और एचआर ध्यान से सुन लें। रीजन में आपको डालना है डेथ इन सर्विस, डेथ अवे फ्रॉम सर्विस, अगर एम्प्लॉय की वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो डेथ इन सर्विस लिखना है, अदरवाइज डेथ अवे फ्रॉम सर्विस लिखना है। अगर यहां पे रीजन डेथ नहीं आएगा तो कोई बेनिफिट आप ऑनलाइन स्पेशली तो नहीं ले पाएंगे और ऑफलाइन बेनिफिट लेने के लिए भी काफी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आप ये पूरा फॉर्म भर लीजिए, नीचे जो रिलेवेंट ऑप्शन है उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए, सबमिट पर क्लिक करिए, उसके बाद ई साइन में जाकर आप अपने आधार के थ्रू उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और यहां पर आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जनरली 30 डेज में ये क्लेम हो जाता है। अगर मान लीजिए नॉमिनेशन फॉर्म फाइल नहीं किया गया है, ऑफलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑफलाइन के लिए आपको डाउनलोड करना है कॉम्पोजिट डेथ क्लेम फॉर्म, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के साथ कौन कौन से सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म्स आपको लगाने हैं उसकी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। और फाइनली ये फॉर्म प्लस इसके साथ के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने एम्प्लॉयर से सील साइन करवा कर सबमिट करने हैं लोकल पीएफ ऑफिस में। अगर उस मेंबर की कंपनी बंद हो चुकी है तो उस पर्टिकुलर केस में, स्पेशल केस में, आप एप्लीकेशन के साथ उस पर साइन किसी गैजेटेड ऑफिसर के या बैंक मैनेजर से करवा कर भी सबमिट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर आपने फॉर्म भरा और फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो विद इन 30 डेज आपका क्लेम पीएफ ऑफिस को सेटल करना होता है, अदरवाइज दे विल पे 12% इंटरेस्ट, 12% उनको इंटरेस्ट देना होगा आपको। आपने एप्लीकेशन सही भरी है और कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है तो आपको तीन तरीके करने हैं। सबसे पहले आपको पीएफ ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस फाइल करनी है। सेकंड तरीका आप लगा सकते हो, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता करने के लिए आप एक आरटीआई फाइल करिए। और थर्ड चीज आप कर सकते हैं, पीएम कंप्लेन पोर्टल पर आप इस पर्टिकुलर केस की कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो फर्स्ट स्टेप है अगर आप वही फॉलो करेंगे तो वहां से ही रिस्पॉन्स आ जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप आप रेयर केस में फॉलो करिए। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपको ध्यान रखना है एज एम्प्लॉई, और कुछ बातें जिनका एम्प्लॉयर या एचआर को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो मैंने बताया नॉमिनेशन फॉर्म इज अ मस्ट, आपको फाइल करना ही करना है। नंबर सेकंड, अपने परिवार को ईडीएलआई के बेनिफिट के बारे में बताकर रखिए, हो सके तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो इसके बारे में जान सकें। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपना यूएन नंबर किसी सेफ जगह लिख कर रख लीजिए और अपने फैमिली में एटलीस्ट एक या दो जनों को बता कर रख लीजिए। इसी तरीके से जैसे आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है और आपके फैमिली में किसी को पता ही नहीं है तो उसका बेनिफिट कैसे ले पाएंगे वो, उसी तरीके से आप अपने यूएन नंबर को, क्योंकि उसके साथ भी एक लाइफ इंश्योरेंस लिंक्ड है, उसके बारे में अपने फैमिली मेंबर को जरूर बता के रखिए। इसके अलावा एम्प्लॉयर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एस्टेब्लिशमेंट में, आपकी फैक्ट्री में अगर कभी डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की वाइल वर्किंग तो उसके एग्जिट रीजन में सिसेशन मत डाल दीजिए। उसके एग्जिट रीजन में डेथ इन सर्विस या डेथ अवे फ्रॉम सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही डालना है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसे प्रैक्टिकल केस देखे हैं, जब किसी एम्प्लॉई का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे इन सर्विस या आउटसाइड द सर्विस, या कोई इलनेस है, लॉन्ग इलनेस कोई हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉई जॉब पर नहीं आ रहा है लास्ट में कुछ दिन और हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में फाइनली मान लीजिए या किसी और सर्कमस्टांसेस में उस एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है। इसमें एम्प्लॉयर या एचआर जनरली क्या मिस्टेक करते हैं कि जिस तारीख से वो एम्प्लॉई ऑफिस में नहीं आ रहा है, मान लीजिए 15 दिन से नहीं आ रहा है, तो 15 दिन पहले उसे लेफ्ट दिखा दिया। यहां पर ईडीएलआई का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेटर रिकमेंडेशन ये है कि अगर वो अभी तक आपके यहाँ एम्प्लॉयड है लेकिन ऑफिस नहीं आ पा रहा है किसी भी रीजन से, तो आप उसे एब्सेंट कंसिडर करिए और उसका निल का चालान, भले ही एक महीने डेढ़ महीने जो भी टाइम है उसमें निल का चालान अगर आपने भरा है और उसके बाद उसकी जो डेथ का रीजन डाला है आपने डेथ अवे फ्रॉम सर्विस, तो इस पर्टिकुलर केस में उसे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इस केस में जो पीएफ डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकता है, जैसे आपका पेरोल, पे स्लिप्स, सैलरी रजिस्टर एटसेट्रा, टू प्रूव कि ये एम्प्लॉई पिछले डेढ़ महीने इवन दो काम पर नहीं आ रहा था लेकिन एम्प्लॉयड था, एब्सेंट ये चल रहा था और फिर किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस में एम्प्लॉई की डेथ हो गई, लेकिन बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो जाते जाते मैं सारे एचआर और एम्प्लॉयर्स को बोलना चाहूंगा कि आप हमारा ए टू जेड ऑफ पीएफ कंप्लायंस कोर्स जरूर रेफर करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पीएफ की काफी इन डेप्थ डिटेल्स बता रहा हूं। अभी इस पर्टिकुलर कोर्स पर कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो आप सभी सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।